ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे परमपिता परमात्मा के 23 मार्च के श्रीमृतदान के बारे में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम मुख का मौन भी रखें और मन का मौन। आज इंसान मुख के मौन से तो बैठ जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर से संकल्प चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, तो वो आत्मा भारीपन महसूस करती है। यही तो हम ज्ञान लेते हैं कि हम ऐसे कैसे मेडिटेशन करें जिसके द्वारा कि हम पहचान पाए कि कौन से संकल्प सोचने हैं कौन से संकल्प नहीं सोचने हैं। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे मेडिटेशन में कौन से प्योर थॉट्स हैं कौन से इम्प्योर थॉट्स हैं, इनको बस सेपरेट करना है। और जो प्योर थॉट्स होंगे, पवित्र संकल्प होंगे, वो आपको हल्का कर देंगे, मन को हल्का कर देंगे। तो देखें परमात्मा कहते क्या है यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले। पास विद ऑनर क्यों, ये कौन सा सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको परमपिता परमात्मा से सर्टिफिकेट मिलता है, और आप अपने आप को भी सर्टिफिकेट देते हो कि आपने कितने लेवल पर अपने अंदर प्योरिटी, अपने मन के अंदर पवित्रता, अपने मन के अंदर शक्तियाँ आपने प्राप्त करी हैं। आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते हो। और सबसे पहला सर्टिफिकेट है आपकी अवस्था। आप दिन भर मूड ऑफ रहते हो कि आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहता है, ये सर्टिफिकेट हो जाता है। तो देखें परमात्मा क्या कहते हैं। परमात्मा कहते हैं पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अब ये दुनिया के बारे में सोचना और दुनियावी बातों के बारे में सोचना और दुनिया का ही ज्ञान होना, पांच तत्वों ज्ञान होना, चांद सितारों का ज्ञान होना, ये हमें भारी करता है हमारे मन में। लेकिन परमात्मा ने इसलिए आकर के ब्रह्म कुमारी में हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, ताकि हम आत्माएं उन दो लोकों के बारे में सोचें जहां पर ये क्रॉस बॉडी, मतलब कि ये स्थूल तन नहीं होता है और वहां पे आवाज़ नहीं होती जो कि आप सुन पाएं, और आप आत्मा के संकल्प और आप आत्मा ही वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी ये बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो वो दुनिया के बारे में जानने से, वहां पर मेडिटेट करने से, वहां पर ध्यान जोड़ने से हमारे संकल्प पवित्र होते जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आती जाती है। परमात्मा कहते हैं आत्म शांति के सागर में समा जाए। तो शांति का सागर कौन हुआ, स्वयं परमपिता परमात्मा। दुनिया में इंसान शांति ढूंढने के लिए जगह जगह पर घूमने जाता है, बहुत पैसे धन संपत्ति स्पेंड करता है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि वापस आकर के उसको अपनी जॉब या अपनी नौकरी या उसको अपने बिजनेस में फिर से लगना पड़ता है। जो भी कार्य करते हैं बोलते फिर अशांत हो जाते हैं वो। परमात्मा कहते हैं कि आप जहाँ भी रहें, जिस अवस्था में रहें, आप जिधर भी रहें इस धरती पर, लेकिन आप अगर शांति धाम को पहचान लें, परम धाम को पहचान लें, वो कहाँ है, जो कि लाल प्रकाश की दुनिया है, चांद सितारों की दुनिया से भी पार लाल प्रकाश की एक दुनिया है जिसको ब्रह्म लोक कहा जाता है, वहाँ से हम आत्मा आई हैं। अगर आप उस जगह पर अपना ध्यान एकाग्र करें तो वो स्वीट साइलेंस का होम है, वहाँ पर आपको शांति मिलती है। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है, तन और मन को आराम मिल जाता है। थोड़ा ही सिर्फ एक मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे वहाँ के लिए, सिर्फ वन मिनट के लिए, तो आपके मन और तन को दोनों को शांति मिलती है और हल्कापन महसूस होता है। अंत में ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। अंत की बात कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ रहे हों या इस दुनिया से सारे दुनिया का कायामत का समय आ रहा हो, जब सारे आत्माओं को ऊपर जाना हो, जो कि बहुत निकट है, कई लोगों ने हजारों करोड़ों साल बोलते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं, कुछ ही 10-20 साल के अंदर का थी ये सब कुछ होने वाला है। तो परमात्मा कहते हैं अंत के समय में अशरीर बनने का अभ्यास भी काम में आता है, या तो इस दुनिया के संकल्प होंगे या परमधाम के संकल्प होंगे और मुक्ति में चले जाएंगे। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, शरीर का खेल चलना मतलब कि शरीर में क्या है, कोई व्याधि आ जाए, बीमारी आ जाए, तो हाय तौबा लगाते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन परमात्मा कहते हैं चाहे शरीर भी कोई खेल कर रहा हो, अशरीरी बन आत्मा साक्षी न्यारी हो, अपने शरीर का पार्ट देखे, तो यही अवस्था अंत में विजय बना देगी। शरीर में प्रॉब्लम हो रही हो, शरीर के अंदर व्याधियाँ आ रही हो, दुख रहा हो शरीर, लेकिन मैं आत्मा अपने शरीर से डिटैच होकर के अपने शरीर का पार्ट देखूं और थॉट्स क्रिएट करूं जिससे कि मुझे डिटैचमेंट फील हो अपने शरीर से, मेरा शरीर नहीं है, इस शरीर में प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये पुराना शरीर है, ये कलयुग के अंत के जन्म का शरीर है, इससे मुझे क्या लेना देना, ये किसी और की प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा पिता ने मुझे शरीर दिया हुआ है, ये मेरा शरीर नहीं, मैंने लोन पे लिया हुआ है इस दुनिया में कर्म करने का, ये शरीर में बीमारी है, तो मेरी फीलिंग्स डिटैच हो जाएंगी शरीर से,
लेकिन अगर ये सोच लिया कि मैं ही शरीर हूँ, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है और हाय तौबा करी, तो फीलिंग्स और ज़्यादा उसमें गहराई जाएंगी और आपको और ज़्यादा महसूस होगी वो प्रॉब्लम या वो डिज़ीज़ अपने शरीर की। तो यह अभ्यास किया जाता है जो कि मेडिटेशन में किया जाता है। इसको सीखने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय का 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। फिर परमात्मा कहते हैं, अशरीरी बन आत्मा साक्षी, मतलब न्यारा वो अपने शरीर का पार्ट देखे तो यही अवस्था अंत में विजय बना देगी। कैसे विजय बना देगी, ये प्रैक्टिस कैसे करी जाए, इसके लिए आप जाकर के कोर्स जरूर करिएगा 7 डेज का। और इसी के साथ में ओम शांति।